इतना बड़ा मंच लगाया है कि बड़े बड़े नेताओं के लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। मुझे मंच नहीं पसंद। मैं आपसे बातचीत करने आई हूं, मंच देख के ही मैं चिढ़ जाती हूं। सुनिए, 6 तारीख को चुनाव है, कौन है आपके उम्मीदवार? भाजपा की भी एक उम्मीदवार है, देखा है उनको? नहीं देखा, नहीं जाते हैं। तो फिर उनकी बात ही ना करूं मैं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं है। पक्का क्या है।
नाराजगी मैं समझती हूँ, नाराजगी समझती हूँ, क्योंकि जैसे आपके क्षेत्र में कर रहे हैं नाटक कि यहाँ 16 बार आई है वो, हर बार आती है चार चार घंटों में चली जाती है, 16 बार आई है आपके सांसद, उससे दुगनी से ज्यादा बार आए हैं आपके सांसद राहुल जी, चार घंटों के लिए नहीं आते, आकर आपसे मिलके आपसे गांव गांव में जाकर बातचीत करके यहाँ रह कर जाते हैं। ये क्या करती है, मीडिया को बुला लेती है पूरी देश भर की, और क्या किया इन्होंने, एक बार कार्यक्रम में आई तो जूतों का वितरण किया, जूते बैठाए, आप हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसी की बात है, क्योंकि या तो ये आपका अपमान करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो जमेटी की जनता के पास जूते नहीं है, हमें बांटने पड़े हैं, या ये एकदम पूरी तरह से नासमझ है, ये समझ ही नहीं है कि अमेठी की जनता क्या है, अमेठी की जनता जागरूक है, हम यहाँ आते डांट खाने के बगैर यहाँ से निकलते नहीं है, ये तो आज के बाद से आप हंस रहे हैं, वही तो एक सड़क बनती है तो दो और बनाइए, और शाहीन सबसे ज्यादा डांटती थी और सालों से डांटती चली आ रही है, लेकिन यही तो होती है जागरूकता कि जनता की आवाज उठे, जनता की आवाज को शक्ति मिले, आप मांगो, आपके अधिकार हैं, कोई एहसान नहीं करता आप पर काम करके, धर्म होता है नेता का, जो नेता भूल जाता है कि उनका धर्म है आपके लिए काम करना कि बनाने वाले आप हैं, उस नेता की कोई जगह नहीं है नेतागिरी में, और जो तो यहाँ गलत प्रचार हो रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, प्रधानों को मैं लिफाफे में भेज रही हूँ घोषणा पत्र कि देखिए हमारा घोषणा पत्र है, इसमें कितनी घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं जनता के लिए, मैंने उनको ये पत्र भेजा, तो भाजपा वाले पत्र क्या भेज रहे हैं 20,000 रुपए उसके अंदर, और सोच रहे हैं, और ये भी हंसी की बात है कि वो सोच रहे हैं कि अमेठी का प्रधान 20,000 रुपए में बिक जाएगा, वो सोच रहे हैं कि जो पुश्तों से चला आ रहा प्रेम है, जो पुश्तों से चला आ रहा सच्ची राजनीति का मिसाल है, जो पुश्तों से चला आ रहा यहाँ का विकास का काम है, उसको 20,000 रुपए से वो खरीद सकते हैं, ये सोच रहे हैं। तो ये तो हुई आपके क्षेत्र की बात, ये तो आप भी उनके दिल में हैं, आप भी उनके दिल में हैं, ये क्षेत्र की बात हुई, करिए, क्योंकि देखिए देश में भी यही हो रहा है, आपके सामने बड़े बड़े प्रचार किए गए, 15 लाख रुपए भेज रहे थे आपके खातों में, किसको मिला भाई, आपको मिले 15 लाख, आपको मिले होंगे, नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार करे थे, किसको मिला रोजगार भाई, किसको मिला, किसी को मिला, वो उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ, अब मैं बताती हूँ उसके बारे में, आपको कहा था 15 लाख रुपए, किसानों को कहा था कि जब मोदी की सरकार आएगी किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, अब सुन लो कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ, जहां जहां मैं जाती हूँ मुझे क्या पता चलता है, किसान को उपज का दाम नहीं मिलता, बताइए, और आपको बीज और खाद समय पे मिलता है कि नहीं, कर्ज में डूब रहा है एक किसान, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और क्या होता है आपसे बीमा ली जाती है कि नहीं, बीमा दे रहे हो ना हर महीने, किसकी जेब में जा रहा है जानते हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में 10,000 करोड़ रुपए आपकी बीमा से गए हैं, और एक किसान दिखा हो मुझे जिसको बीमा के पैसे तब मिले हो जब उसको नुकसान हो रहा है, आप बताइए कि आवारा पशुओं से क्या समस्या है, बताइए क्या हो रहा है, यहाँ रात को खेत में कौन चौकीदारी करता है, भाजपा के मंत्री आते हैं आपके खेत में बैठने के लिए, आते हैं चौकीदारी करते हैं आपका, आपकी आप खुद करते हो,
आपकी आज ये स्थिति बना दी है कि छुट्टा जानवर आपके खेत पूरी रात पूरे दिन खा रहा है। मैं महिलाओं से मिलती हूँ, 47 डिग्री की धूप में पूरे दिन कल बैठी थी रायबरेली में, पूरे दिन खेत में बैठी थी, रात को उनके पति जाके बैठ रहे थे। किस लिए? 5 सालों से आपको प्रताड़ित किया और 5 साल बाद, क्योंकि आपके बीच में तो आए नहीं वो प्रधानमंत्री जी, अपने क्षेत्र में गांव में नहीं गए, किसान से हाल चाल नहीं पूछे, अमेरिका पहुंच गए, रूस पहुंच गए, जापान में ढोल बजाए, पाकिस्तान में बिरयानी खाई, लेकिन वाराणसी के एक गांव में नहीं गए, एक गांव में। और ठीक है, उनको नहीं जाना था, नहीं गए। जब हजारों हजारों किसान देश भर से नंगे पांव पैदल चलकर आए उनसे मिलने, और हजारों की तादाद में किसान उनके दरवाजे पे खड़े हुए और कहा, हमारी सुनवाई कर लीजिए, हमारी समस्याएं हैं, हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला उनसे बात करने के लिए। अब चुनाव आ गया है, क्या करें, क्योंकि किसान नाराज है, पता चल गया कि गड़बड़ हो रही है, किसान नाराज हो गया, 5 सालों से तो हमने इनको नकारा है, तो ये लीजिए निकाले हम किसान सम्मान योजना। सुन लीजिए कितना सम्मान है इस योजना में आपके लिए। किसान जो सम्मान योजना के बारे में देश भर में प्रचार है, जिस भाषण को देते हैं उसमें किसान सम्मान योजना जोड़ देते हैं, और इस किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपए हर साल देने की योजना है। अब आप बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं, बताइए, 12, तो 12 है, 14, तो आप सोचो कि अगर आपके परिवार में 10 होते सदस्य, तो हर सदस्य को एक दिन में मात्र 1 रुपया मिलता। एक तो महंगाई इस तरह बढ़ाई है कि महंगाई के बोझ से आप झुक रहे हैं, आप मर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य को 1-1 रुपए दिन के लिए दे देंगे, उसमें से आपका खर्चा पानी हो जाएगा। ये सम्मान नहीं है बहनों और भाइयों, ये घोर अपमान है आपका, किसान अपमान योजना है ये। और इसी योजना को लेके देश भर में घूम रहे हैं कि आपको गुमराह करें, कि कहीं आप इसको मान लें कि आपको खूब पैसे मिलने वाले हैं और इसके जरिए आपके आपका मन बदले और आप उनको वोट दो। और यही इनका पूरी तरह से यही राजनीति है, सत्ता अपने लिए कैसे रखो, चाहे पैसे खर्चो, चाहे घूस दो जनता को, चाहे ऐसी योजनाएं निकालो जिससे जनता को गुमराह करो, लेकिन यह बात कभी नहीं करेंगे कि 5 सालों में क्या करके दिखाया आपको, जो वचन दिए थे आपको उनका क्या हुआ, कहां गए 15 लाख, 2 करोड़ 9 रोजगार, और जो किसान की जो आमदनी बढ़ी जा रही थी, आज जिस तरह त्रस्त किसान है उस तरह मेरे ख्याल से पिछले दशक कितने दशकों में नहीं हुआ है, जो हालत आपकी बनाई है। तो अब ये सब बदलेगा कौन? जाके उसको पढ़े, देखिए नौजवानों के रोजगार के लिए क्या लिखा है।
उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 10 लाख ग्रामीण रोजगार बनाए जाएंगे, कि मनरेगा को जिस तरह से इन्होंने दुर्बल किया है, जिस तरह से इन्होंने मनरेगा के पैसे आपको मिलते नहीं, आप मजदूरी करते हैं, या मजदूरी के द्वारा जो कार्य होने चाहिए वो ठेकेदारों द्वारा हो रहे हैं, ये सब दुरुस्त करने के लिए 100 दिन से 150 दिन का मनरेगा होगा और आपको मजदूरी के पैसे उसी तरह से मिलेंगे जैसे कांग्रेस की सरकार में मिलते थे। आपको पता नहीं होगा 24 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं इनके राज्य में। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर सरकार आएगी हमारी तो एक साल के अंदर अंदर 24 लाख के 24 लाख भरे जाएंगे। कि अगर नौजवान अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है तो 3 सालों के लिए सरकार से कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि पाठशालाओं में, सरकारी पाठशालाओं में 12वीं तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। कि सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज मुफ्त बनाया जाएगा। किसानों के लिए अलग बजट बनेगा, जैसे रेल बजट होता था, ताकि आप सबको पता हो कि सरकार कितने पैसे दे रही है, कौन सी योजनाएं निकाल रही है आपके लिए और वो योजनाएं ठीक तरह से लागू हो। किसान के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं घोषणा पत्र में जो आपको मजबूत बनाएंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हम छोटे फूड पार्क बनवाना चाहते हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में ही आप अपने उपज को सही दाम पर बेच के उसको देश भर की बाजारों से जोड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का वो यह है, उसका नाम है न्याय। न्याय का मतलब न्यूनतम आय योजना। न्यूनतम आय का मतलब है कि हर गरीब परिवार को कम से कम साल में 72,000 रुपए सरकार देगी। ये जो योजना है इसके पीछे सोच क्या थी मैं बताती हूँ। पिछले चुनाव में आपको भाजपा वालों ने कहा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे और वो उम्मीद पूरी तरह से आपकी टूट गई, आपने सच्चाई देख ली इनकी। राहुल जी ने अपने पूर्व वित्त मंत्री से कहा कि देखिए कोई ऐसी योजना है जिसके जरिए जो किसान त्रस्त रहा है 5 सालों से, जो गरीब परिवार परेशान रहा है पिछले 5 सालों से, उसको हम थोड़ा सा बल दे सकें, अपने पैरों में खड़ा कर सकें, उसको थोड़ी ऐसी मजबूती दे सके ताकि वो गरीबी के दलदल में से निकले। तो उन्होंने, जो पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने सोचा और सारी चीजें समझकर ये योजना निकाली कि सरकार कम से कम 72,000 रुपए साल आना हर गरीब परिवार को दे सकती है।